अरे अब सुने डंडू कटे तो मुझे जड़ी बूटियां वनस्पतियां है नहीं अने पानी बोले पानी बदबू आ रही तो जितो इन माने हिड़ीड़ो चारो के वो सब जावे आशा आप सब लोगों ने जय श्री राम। आप सब लोगों ने एक बड़ी खुशखबरी दे रही हूँ कि भारी बरसात रे बाद में अपने बोमदा बांध जो रपट है वह तकरीबन एक फुट चाल रही है। और आप सब लोगों ने क्यों मैं ज्यादा ज्यादा वीडियो ने शेयर कर जो और मारा जो शुभ चिंतक है वह ने भी एक खुशखबरी देनी चाहूँ कि आज जो बरसात रही है रातें उन बाद में नई अपडेट है और आवाज भी आप सुनता रहे वो कि पानी किन हिसाब पड़ता रही। और अपने रायपुर दीपावास लुणी बांध ने खुद साक्षात इंद्रदेव और माँ गंगा और फॉलो करवाई और नजारो है आज रो। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने शेयर कर जो और शानदार पानी पड़ रही हो इन टाइम और कालब कलारी नदी जोरदार चाल रही है। आप अगर दिल साफ हाँ और अपने दिल में कोई खोट नहीं है तो ईश्वर हमेशा अपन साथ देवन वास्ते किन्हीं किन्हीं रूप में आया करे। आप देखो कि तो फर्स्ट क्लास नजारा है पानी पड़ रही है जिनकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। आप सब भाई सड़न गया हूँ इन वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो भारी बारिश रे बाद में बहुमत बांध रही इन टाइम एक फुट चादर चाल रही है और पानी की आवाज और बनी है लारे और बरसात भी चाल रही है और नजारो देखो आप शानदार नजारो है। अगर इन्हीं तरीकों अगर पानी चाल तो रही हो तो उन्हाड़ा तीन चार दिन मायन मायने रायपुर दीपावास लोनी बांध और फ्लो रह जाए। आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें वीडियो ने शेयर कर जो और मैं आप सब लोगों ने कहनी चाहूँ आपके माध्यम हूँ कि जब तक मौसम साफ नहीं रहे तो आप इन्हें बांध माते या इन्हें पहाड़ी क्षेत्र में आवनो बच्चो क्योंकि थोड़ा जीव जंतु और भी डर है और अपन एड़ी जो अबार बरसात चल रही है हिसाब अपने रपट माते भी नहीं जानो। और प्रशासन में एक गुहार लगा रही हूँ कि आप जल्द से जल्द हटे कोई गार्ड तैनात करो ताकि आवनाला जो भी है कोई अनभिज्ञ इंसान भी है बाद में है तो वे रपट माते जाए अगर कोई खेल कूद है कोई गतिविधि कर ले तो गिरनारो भी डर होया करे और पानी की आवाज भी बनी है। मैं और बताया दूसरा आपने और देख लो सर नजारो शानदार पानी चल रही है एक फुट करीब एक फुट समथिंग आ चल रही है चादर। रायपुर दीपावास लूणी बांध रो जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रही है परसों जो खबर थी वह 2 इंच 3 इंच के करीब थी बाद में परसों जो बरसात हुई और आप रामी में वीडियो प्रेस करियो तो उन टाइम 4-5 इंच रही और काले और परसों जो बरसात हुई उन बाद में इनी रपट और रात जो बरसात हुई जो मैंने समाचार मिलिया कि 3 हैनिकट और फ्लो रह गया है वहाँ पानी है जो अपने बोमदा बांध में आया करे इतना दिल नहीं आओ तो लेकिन अब आयो है तो उन्हें वजह आप देख लो बोमदा बांध की रपट इन टाइम 1 फुट के करीब चल रही है और जिन बेहिसाब पानी चल रही है उन हिसाब बहुत जल्दी अपने रायपुर दीपावास लोनी बांध में पानी पहुँचने वालों है और धीरे धीरे जल स्तर भी बढ़ जाए और पहाड़ी इलाका में अबार बरसात चालू है। तो आप सब भाई सेनाओं में कहनी चाहूँ जो अपने मारवाड़ में बिराजे क्या आप अगर कोई काम रहे तो आप पहाड़ी इलाका में आई जो या फिर अपने घूमना विचार है तो अबार आप आई जो मती मौसम साफ रहे जो उन बाद में आई जो क्योंकि हर तरह रो जीव जंतु रो खतरों भी बने रहे। और अगर मैं अच्छा आई हूँ तो मेरा हाथ साथी भाई ने लेन आई हूँ अकेलो नहीं आई हूँ। आप देखो धीरे धीरे इनो लेवल भी बढ़ियो है और पानी भी बहुत तगड़ो पड़ रही है आवाज भी आप सुनता रहे हो आ देख लो सर आ दे। और मैं आपने जूम वीडियो करन बता दी हूँ
आज ज्यादा से ज्यादा इन्हें वीडियो नो शेयर करो, जिता भी अपने प्रवासी राजस्थानी भाई जो बारे बैठा है, जो आस लगा बैठा है कि अपनों भी रायपुर दीपावास लोनी बांध और फ्लो रही, तो उम्मीद मत आप कायम है और ईश्वर भी खुद भी चाह रहे हैं कि अपन इच्छा पूर्ण हो। इन बात देख लो आप सामी कि तो अच्छो और फ्लो चल रही इन टाइम बमदा बांध रो और पहाड़ी इलाके में बरसात भी रह रही है और सामने में आपने बताऊँ तो देखो बादल दीख करे आपने थोड़ा थोड़ा पहाड़िया क्षेत्र माते वहाँ वटे उन ला रहे आशापुरा माता जी रो मंदिर है तो बाकी बहुत कम दीख रहा है बादल चक्कर में, बादल भी नीचे आ गया है पहाड़ी क्षेत्र में। अरे वो कहीं है, वो देखो वो पीछे कहीं भाटो है, हैं अरे ओड़े ओए अटिया, अरे सुने अटिया अटू ऊपर देख मैं बताऊ अटिया वे कहे वो यूं दारियां की तरह हाँ यूं मैं प्रशासन नु गुहार लगानी चाहूँ कि आपने कोई गार्ड है तो आप प्लीज आपने हाथ जोड़न विनती है कि अपन ऊपर चैम्बर में अटकनी तैनात कर जो कि ताकि आने वाला कोई भी भाई बंधु है तो वहाँ अट नज़दीक नहीं जाऊँ देने क्योंकि बरसात रो मौसम चल रहा है और पानी की आवाज भी लारे बहुत ज़्यादा बनी उड़ी है। हमारे विधायक शोभा जी बहन जी को भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये वीडियो आता है तो प्रशासन से गुहार लगाकर आप यहाँ पे एक गार्ड तैनात करें। मंत्री साहब श्री अविनाश जी गहलोत साहब से भी विनती है कि अगर आपके पास भी अगर ये वीडियो पहुँचता है तो कृपया करके यहाँ पे एक गार्ड तैनात करें, क्योंकि जिस हिसाब से पानी बरस रहा है और जो पानी की आवाज़ बनी हुई है तो किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना हो तो आप यहाँ पे प्लीज हाजिर। ठीक है साहब, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर जो और आगे आपने मैं कालब कलारा जो नदी नाला चले है उन वाला में अवगत कराऊँ आपको। ठीक है साहब, जब तक जय श्री राम और जितने जो भी अपडेट रही आप रामी पेश करूँ।